ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत ऐसा लगता है कि इसराइल के लिए भारी मुसीबत साबित होने वाली है। दरअसल अभी तक जो लड़ाई दबे छिपे चल रही थी वो अब खुलकर सामने आने वाली है। दरअसल रईसी के अंतिम संस्कार के मौके पर गुरुवार को तेहरान में एक बैठक हुई। इस बैठक में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के उप महासचिव मोहम्मद अल हिंदी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन PFLP, हिजबुल्ला और हुती आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक का नेतृत्व IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी ने किया और उनके साथ हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये और नईम कासिम भी उपस्थित थे। इस बैठक में यमन के हुती विद्रोहियों का प्रतिनिधित्व प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने किया। इस बैठक के बारे में एक ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि उपस्थित लोगों ने क्षेत्र में हो रहे नए डेवलपमेंट पर चर्चा की और गाजा पट्टी में जीत तक लड़ाई को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। सभी ने गाजा में हमास की पूर्ण जीत तक अपने अपने गुटों और मोर्चों की भागीदारी को जारी रखने पर जोर दिया। रईसी के अंतिम संस्कार के मौके पर मौजूद ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने भी फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि उनका देश आक्रामकता के अंत तक फिलिस्तीनी लोगों और उनके वैध प्रतिरोध की रक्षा के लिए सभी प्रयास जारी रखेगा। अली बघेरी कानी ने अपनी निरंतरता की घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र तक पहुंचने की ईरान की नीति उसकी रणनीति का एक बुनियादी सिद्धांत है, यानी साफ है कि ईरान गाजा पट्टी में जारी युद्ध में पूरी तरह से हमास के साथ है। तेहरान में हुई बैठक से सामने आने वाली खबरों को देखते हुए स्पष्ट है कि हमास के सभी समर्थक उसके साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि रईसी की मौत के कुछ दिनों पहले अमेरिका और इसराइल के बीच जुबानी जंग जैसा माहौल था। दरअसल अमेरिका ने इसराइल को गाजा में नरसंहार रोकने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि यदि वो नहीं माना तो अमेरिका उसकी मदद रोक देगा। इस पर इसराइल ने अमेरिका पर पलटवार कर दिया था और कहा था कि यदि अमेरिका उसे मदद नहीं देगा तो अपने दम पर लड़ेगा लेकिन गाजा में युद्ध जारी रखेगा। ऐसे में अब जब हमास के सभी सहयोगी उसका साथ देने के लिए प्रतिबद्धता जता चुके हैं तब अमेरिका के अगले कदम का इंतजार है।